ऐसा लोड है भाई, इसको बोलते हैं खाली पायलट, स्कैड भी बोल देते हैं। घंटा भाई लगेगा, आधे घंटे से ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि यार ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो ट्रक को भाई करते हैं स्टार्ट। तो एयर प्रेशर भाई लो हो चुका है, क्योंकि आप सभी भाइयों को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई जी आपका वेलकम है किंदा लोको वाला न्यूज चैनल में, ट्रकिंग ब्लॉग में। तो भाई जी चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो भाई जी ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो भाई ट्रक हमने छोड़ा था सर्विस के लिए, तो चाबी भाई हमें मिल गई है। तो अभी इसको हम स्टार्ट करेंगे और गर्म करने के बाद भाई जाना है आज हमने सीधा डिलीवरी उतारने। तो भाई देखो ऊपर यहीं पास में एयरपोर्ट है, तो भाई जहाज भी जहाँ पे ऊपर से ऐसे निकलते रहते हैं। तो ये जाएगा भाई, ये आया होगा पंजाब इंडिया से क्योंकि जो जहाज़ है ना एयर कैनेडा है, तो ज़्यादा जो जहाज़ है एयर कैनेडा के, तो ज़्यादा इंडिया से जाते हैं। तो भाई फिफ्थ व्हील इन्होंने कर दिया है ग्रीस, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो फिफ्थ व्हील भी डैमेज होने का डर रहेगा और ट्रेलर भी। तो चलो भाई देरी ना करते हुए तो हम करते हैं ट्रक को स्टार्ट। तब तक भाई लगाएगा जे 15-20 मिनट गर्म होने को। तो ये है हमारा भाई ट्रक वॉल्वो 2023, तो ब्रांड न्यू ट्रक है भाई। तो ऊपर भाई हमने अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम लगा रखा है मोगे वाले। तो चलो भाई करते हैं ट्रक को स्टार्ट, उसके बाद गर्म होने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो ट्रक को भाई करते हैं स्टार्ट। तो एयर प्रेशर भाई लो हो चुका है, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं जहाँ पे ट्रक को खड़े हुए। तो देखा आपने ये रेड वाला आ रहा है ना साइन, तो इसका मतलब है कि आपके एयर टैंक में एयर नहीं है। तो ये जो बीप की आवाज़ है इसी वजह से आ रही है, क्योंकि एयर देखो अभी चला गया ना 60 से ऊपर चला गया, तो वो बीप की आवाज़ आनी भी बंद होगी। तो चलो भाई एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं, तो उसके बाद भाई चलेंगे। तो आज का जो स्केड्यूल है ना काफ़ी बिजी होने वाला है। तो जे भाई जितने भी ट्रक जहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो जे सभी वॉल्वो के ट्रक हैं भाई। तो जहाँ पे होती है मैकेनिक की शॉप, अंदर देखो कितने ट्रक, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 जे है बे जहाँ पे ट्रक भाई लगे हुए हैं, तो वहाँ पे सर्विस भी चल रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वहाँ पे देख रहे हैं। तो बाकी ऐसा है अगर जहाँ पे आपको आना है तो भाई आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो मुझे एक वीक हो चुका है अपॉइंटमेंट लिए हुए, तो मैंने छोड़ा है सर्विस के लिए, लेकिन सर्विस हो चुकी है डन। तो अभी हम भाई चलेंगे आगे, बताते हैं कहाँ पे। तो भाई अभी हम रुके हुए हैं डेल्टा बीसी, जहाँ पे हमारी वॉल्वो की ये कंपनी है। तो जहाँ से हमने उठाना है ट्रक, तो उसके बाद आज वैसे हमारी छुट्टी थी, लेकिन भाई कंपनी की कॉल आ गई कि आपको यार लोड उतार के आना पड़ेगा। तो क्या ही करें भाई, जब कंपनी की कॉल आ गई तो जाना तो पड़ेगा। तो अब हम जाएंगे कंपनी में, वहाँ पे हमारे पास लोडर ट्रेलर है, ट्रेलर के अंदर भाई नर्सरी का सामान है, क्योंकि जैसे वो आजकल डायलॉग नहीं चल रहा कि विंटर जाने वाली है, समर आने वाली है, तो वैसे भाई समर आने वाली है, तो नर्सरी का जो काम है ना वो बड़ा कहते हैं पीक पे आने वाला है। तो हम वो नर्सरी का लोड है जो हमने अनलोडिंग करनी है। तो अभी हम जाएंगे कंपनी में, कंपनी में जाने के बाद भाई ट्रेलर उठाना है, तो वापस यहीं पे आना है डेल्टा, डेल्टा से आगे पड़ेगा रेचमेंट, रेचमेंट में हमने भाई करनी है डिलीवरी। तो आप भाई ब्लॉग पे बने रहे, तो जो भी भाई चैनल पे नए हैं तो भाई जी जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको भाई कैनेडा की बढ़िया बढ़िया हम वीडियो बना के आपको दिखा सकें। तो अभी हम ट्रक गर्म होने वाला है, तो 5-10 मिनट में चलेंगे, तो रास्ते में आगे भाई आपको व्यू दिखाते चलेंगे। तो ट्रक भाई अपना थोड़ा सा देखो गर्म हो चुका है, जे वाली गेज है भाई जो टेम्परेचर की है, थोड़ी सी गेज भाई जे उठ चुकी है। तो बुक भी हमारी जहाँ पे भाई चल रही है ऑन ड्यूटी में 6 मिनट हो चुके हैं। देखो हमने 36 घंटे जहाँ पे ट्रक रोका ना, तो हमें 70 घंटे का सर्कल मिल चुका है। तो अभी थोड़ा टाइम और वेट करेंगे, तो उसके बाद भाई चलेंगे हम ट्रेलर उठाने के लिए। तो भाई अगर मौसम की बात करें ना, तो आज इतना अच्छा दिन है ना, सनी डे। तो कोई आपको जे होगा कि आज इतना सनी डे है, और कल को भाई जहाँ पे पड़नी है स्नो, वो भी भाई बड़े गंदे वाली स्नो पड़नी है, क्योंकि स्टॉर्म आ रहा है। तो स्टॉर्म के अंदर भाई आपको कल को अगर हमारा गेड़ा होगा ना, तो आपको दिखाएंगे कि कैसा हो जाता है स्टॉर्म के अंदर। तो भाई हमें आ चुकी है कंपनी की कॉल, एक बार हमें
हम उनको अपडेट दे देते हैं कि हम कहाँ पे हैं। तो लो भाई साहब, ट्रक हमने वहाँ से उठा लिया भाई, यार्ड से ट्रक उठा लिया है। तो अब हम जाएंगे अपनी यार्ड में जहाँ पे हमारा लोडर ट्रेलर खड़ा हुआ है। तो वहाँ से लोडर ट्रेलर हमने उठाना है, तो वापस इसी ब्रिज से भाई वापस फिर आना है, क्योंकि जो हमारा ट्रक था ना, तो जहाँ पे डेल्टा में ड्रॉप किया हुआ था वॉल्वो वाले के, तो हमारी जो डिलीवरी है तो वो रेजिमेंट है, तो रेजिमेंट इसके भाई पीछे रह जाता, जहाँ से हम आ रहे हैं ना उसके आगे रेजिमेंट है। तो भाई ब्रिज देखो कितना शानदार ब्रिज है, इसका नाम है भाई LX ब्रिज। तो जब भी हम एयरपोर्ट से आते हैं ना सरी की तरफ, तो हमें इसी ब्रिज के ऊपर से आना पड़ता है। तो दोबारा हम फिर इसी ब्रिज के ना रेजिमेंट जाने के लिए इसी ब्रिज के ऊपर से हम आएंगे। तो आगे भाई पड़ेगी स्केल, तो बाबा करे भाई स्केल बांधो को, नहीं तो स्केल का भाई पंगा जाइए, स्केल पे जाना पड़ेगा। अगर उन्होंने हमें पुल कर लिया ना, तो वहीं भाई दिक्कत हो जाएगी। तो टाइम तो भाई वहाँ पे बर्बाद हो गई होगा। तो जो भाई वहाँ पे हमारा कोई टिकट दे सकते हैं, लो भाई जे स्केल का भाई बोर्ड है तो स्केल भाई ओपन है, तो हमें स्केल पे जाना पड़ेगा। शिट मैन, देखो लिखा हुआ ना ओपन, तो भाई हमें इसका मतलब है स्केल पे जाना पड़ेगा। ये वही स्केल होती है जहाँ से भाई ट्रक वाले सभी डरते हैं। डरने का मतलब ये होता है कि अगर उन्होंने हमें रोक लिया ना, तो जैसे ट्रक वो चेक करेंगे हमारे कागज़ तो चलो सही होते हैं, लेकिन जैसे ट्रक की इंस्पेक्शन करेंगे ना, हमारी जो ई लॉग होती है वो चेक होगी, तो हमें भाई टिकट भी दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बुक तो सही होती है, लेकिन कई बार ट्रक में या ट्रेलर में कोई प्रॉब्लम निकाल देना, तो वो ड्राइवर को टिकट जाती है कि भाई आपने चेक क्यों नहीं किया। तो भाई बाबा का लवें लेंगे नाम, तो स्केल भाई करेंगे क्रॉस, तो वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना सकते, तो वीडियो भाई बंद कर देते हैं। तो भाई सरी के बीचों बीच हम पहुँच चुके हैं, जहाँ हमारी यार्ड है सरी के अंदर ना, तो जहाँ से हमने भाई ट्रेलर उठाना है। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो ट्रैफिक यार थोड़ी सी ज़्यादा ही है रोडों पर, तो भाई कोई बात नहीं है, टाइम हमारे पास काफ़ी पड़ा है डिलीवरी करने के लिए। अगर डिलीवरी अपनी होगी ना, तो टाइम से आ जाएंगे घर, तो नहीं तो हमें वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा ट्रेलर। तो ये हम जाके ही पता चलेगा कि भाई लाइव अनलोडिंग करते हैं या ट्रेलर हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है भाई काम पे, कभी जल्दी अनलोड कर देते हैं, तो कभी भाई तीन तीन चार चार घंटे भी लग जाते हैं। तो ये हम जाकर ही पता लगेगा कि क्या कहते हैं वो। तो चलो भाई बने रहो वीडियो में, तो भाई चैनल कर लो सब्सक्राइब, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो भाई हमारी तरफ से मिलती रहे। तो बने रहिए भाई वीडियो पे। तो लो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं जाड़ के अंदर, तो जहाँ पे भाई हमें ट्रेलर देखना पड़ेगा कहाँ पे हमारा ट्रेलर है। तो ट्रेलर नंबर भाई हमारे पास है, तो ट्रेलर नंबर हमारे पास है वो खड़ा रखता है जो सेंटर में खड़ा है ना भाई, जे वाला ट्रेलर हमने हॉक करना है। इसके अंदर हमारा लोड है जो हमने उतारने जाना है। तो जे देखो भाई सामने पुराना ट्रक खड़ा है, कनाडा के अंदर जो पुराने ट्रक था ना, तो ऐसे चलते थे, जे अभी काम में नहीं है, तो जे अभी चलता नहीं है, तो भाई शो पीस के तौर पे जहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम करेंगे भाई जी अब ट्रेलर को हॉक, उसके बाद जाएंगे भाई जी डिलीवरी करने रेजिमेंट के अंदर। तो भाई साहब ट्रेलर कर लिया हमने हुक, तो आप भाई टैटू चेक कर लीजिए। टैटू चेक करने के बाद भाई फिर चलेंगे जहाँ पे हमने करनी है डिलीवरी। ये तो सारा कुछ ठीक है, लाइटें वगैरह भाई ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, लाइटें ठीक है।
अंदर देखें, यही वाला ट्रेलर है ना, बताया तो हमें यही वाला है। लो जी, इसके अंदर है खाली स्कैड भाई। इसके अंदर ना ये नर्सरी के वाले जो गमले होते हैं ना, गमले तो इसके ऊपर वो रख के आगे बेचते हैं। तो डोर डूर हमारा ओके है, लाइटें भी भाई ठीक है। अभी जहाँ से हमें आधा घंटा भाई लगेगा, आधे घंटे से ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद पता चलेगा कि हमें वो लाइव अनलोड करेंगे या हमें ट्रेलर ड्रॉप करना पड़ेगा, ये वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं, उसके बाद पता चलेगा। जैसे भी अपडेट है तो हम आपको भाई बता देंगे। तो भाई फाइनली पेपर वर्क हमारे हाथ में आ चुका है, तो ट्रेलर हमने हुक कर लिया है, तो अभी जाएंगे, तो जाने के बाद भाई पता चलेगा। वैसे रिक्वेस्ट तो की है कि भाई अनलोड कर दो इसे, क्योंकि हमें इसी ट्रेलर में ना आगे वाला लोड जो है ना लोड करवाना है। अगर रिक्वेस्ट तो उनको की है, बाकी भाई देखते हैं क्या मानते हैं कि नहीं मानते। अगर उनका दिल बड़ा होगा तो भाई ट्रेलर हमारा खाली हो जाएगा, नहीं तो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, तो फिर कहीं और से एक ट्रेलर पिक करना पड़ेगा, तो उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट वाला लोड है ना, तो वो भाई लोड करवाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं भाई, देखते हैं आगे होता है क्या। तो भाई ये जो सामने ट्रक जा रहा है ना, तो देखो पीछे लिखा है इसके स्टूडेंट ड्राइवर। तो ये भाई अपने पेपर की तैयारी कर रहा है रोड पे। तो भाई जो नाम है ना इसका स्कूल का, ये है प्रोफेशनल ड्राइविंग। तो भाई नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हो, अगर कोई भी लेना चाहता है तो कॉल कर सकते हैं। हाईवे अपना लाइसेंस बन से लेकर मोटरसाइकिल का सभी का लाइसेंस देते हैं। तो आपको साइड व्यू भी जहाँ से दिखा देते हैं, ये भाई ले रहा है लाइसेंस, उसके लिए भाई ये तैयारी कर रहा है रोड पे। तो लो भाई साहब, हम उसी ब्रिज पे भाई वापस आ चुके हैं जहाँ से हमने ट्रक उठाया था वॉल्वो से और गए थे जाड़ की तरफ। तो इस ब्रिज पे हम दोबारा से फिर एंट्री मार चुके हैं, तो आगे जाकर भाई नर्सरी है जहाँ पे हमने करनी है डिलीवरी। तो इस ब्रिज का नाम है भाई LX ब्रिज। भाई बहुत बड़ा ब्रिज है और काफ़ी पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, ऐसे ही मान के चलो आपके अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, काफ़ी पुराना ब्रिज है जी वाला। तो जहाँ पे भाई ट्रैफिक भी बहुत रहता है, क्योंकि वैनकूवर को जोड़ने वाला ना ये मोस्ट बिजिएस्ट जो है ना ये वाला ब्रिज है। तो एक और वहाँ पे टनल पड़ती है, उधर टनल है और इधर ब्रिज है। तो जहाँ पे देखो चार लेन जाने वाली है और तीन लेन भाई आने वाली, जो सेंटर वाली लेफ्ट वाली लेन है ना, तो जो मशीन के द्वारा जब शाम के 2 या 3 बजे के बाद काम वाले वापस आते हैं, तो फिर उधर 4 कर देंगे भाई, इधर 3 कर देंगे, ऐसी इनके पास टेक्नोलॉजी है। तो हम ब्रिज के बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, बहुत भाई मोटी मोटी जो वायर है ना, वायर के सहारे ये खड़ा हुआ है। तो आगे जो आप देख रहे हैं व्यू, वाह जी वाह, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे और भाई देखो बड़े बड़े पहाड़ है ना, पहाड़ों के ऊपर बर्फ देखो। ये सारा वैनकूवर वाला एरिया है जहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं आज। तो लेकिन ज़्यादा पास तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जो नर्सरी है ना बाहर खेतों में खुले खुले जगह पे जो है होती है वहाँ पे है जी अली। तो देखो सामने जो है सारे का सारा वैनकूवर एरिया है जी अली। तो चलो भाई चलते हैं, देखते हैं क्या हमें रिस्पांस करते हैं भाई डिलीवरी वाले। तो भाई पहुंच चुके हैं हम सिटी के बीचों बीच। तो लेकिन ज़रा ये जो रास्ता है ना ट्रक के लिए नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ज़रा इतनी ज़्यादा जो लाइन है ना साथ साथ में है, तो डर लगता है कि यार कहीं पास से जो ट्रक निकला ना तो कोई मिरर या अपना जो शीशा बोलते हैं टच हो जाता है, क्योंकि लाइन के बीच तो ट्रक रहेगा लेकिन जो शीशा होता है ना इसका साइड वाला दोनों तरफ का, तो जो वो 1.5-2 फीट साइडों में होता है, तो अगर दूसरा ट्रक भी साथ में निकलेगा तो 4 फुट जगह बन जाती है, तो भाई डर ही लगता है। तो देखते हैं भाई आगे रास्ता कैसा होता है। तो ये बिल्कुल सिटी के भाई बीचों बीच हम जा रहे हैं, ये आगे रेलवे ट्रैक,
तो आगे से हमने मारना है लेफ्ट टर्न, तो जाएगा नर्सरी की तरफ, तो देखते हैं आगे। मुझे लगता है ना लोकल रास्ते ये है, ये कोई बड़ा हाईवे नहीं है, जेड़ा बड़े हाईवे से तो हम निकल के अभी लोकल वाले रास्ते में आ गए हैं। तो बाकी भाई देखते हैं आगे कैसा होता है रास्ता, तो ये तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, मुझे तो ऐसा डर लगता है कि कहीं ना आगे से रास्ते ही नहरा बंद हो जाएंगे, फिर ऐसा होता है कि इतना लंबा ट्रक मोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो भाई लोकल सड़कें देखो, ऐसी लोकल सड़कें हैं जहाँ पे, तो जहाँ पे ट्रैफिक कम है, क्योंकि मुझे लगता है ना जो वेयर हाउस है जहाँ पे, तो आगे भाई 30 की स्पीड आ गई, तो इसका मतलब आगे से रास्ता तंग होने वाला है, देखते हैं भाई। तो ऐसे रास्तों में ना जो है, जहाँ तो वो जो वेयर हाउस है उसकी तरफ वाला रास्ता है, तो कम ट्रैफिक है, क्योंकि सिटी से हम बिल्कुल अभी खेतों वाली जगह में आ गए, देखो आसे पासे जो है ना खेत हैं। तो भाई डर ही लग रहा है कि ऊपर जो दरख्तों की टाहनियाँ देखो, तो मैं ना सॉल्ट लेने को इधर को ट्रक लेकर ना फिर चलाऊंगा कहीं, क्योंकि तो भाई फाइनली हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारी डिलीवरी है। तो ट्रेलर हमने बैक कर दिया है, तो डोर नंबर उन्होंने हमें दे दिया था, पर पंगा भाई दिक्कत एक और आ गई। प्रॉब्लम क्या होगी, ये लोड उतरना था एक जगह पे, लेकिन जो शिपिंग वाले हैं रिसीविंग वाले वो बोल रहे हैं कि भाई आपका आधा ट्रेलर हम जहाँ पे उतारेंगे, आधा ट्रेलर आपको और लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो अभी मैंने अपने ऑफिस में कॉल की है, तो उनकी अभी बातचीत चल रही है, देखते हैं भाई क्या कहते हैं। अगर एक जगह उतरा तो भाई हमारा टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो भाई दूसरी लोकेशन पे जाना पड़ेगा, तो टाइम की भाई बर्बादी है। तो देखते हैं अभी क्या रिस्पॉन्स आता है, बातचीत भाई ऑफिस वालों की चल रही है। तो लेकिन ट्रेलर हमारा अनलोडिंग हो रहा है जो आधा है, तो जो आधा बाकी है उसका भी भाई पता चलेगा। ऐसा लोड है भाई, इसको बोलते हैं खाली पायलट, स्कैड भी बोल देते हैं, जिसके ऊपर सारे का सारा जो है ना सामान आता है, या इसके ऊपर जो है ना गमले रखे जाएंगे पौधों को, जो लगे होते हैं ना छोटे छोटे गमले, उसमें पौधे उगाएंगे, उसके बाद स्कैड के ऊपर रखेंगे, तो आगे जहाँ भी जाना होगा ना जिस स्टोर पे, तो वहाँ पे लेकर जाएंगे। और आधा है कार्डबोर्ड, जिसको हम गत्ता बोल देते हैं ना, तो गत्ते के अंदर भी भाई पैक करते हैं जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना नर्सरी के अंदर। तो ये भाई वेयर हाउस है मोस्टली, इतने सारा यार देखो कितने ट्रेलर खड़े हैं, तो सभी के अंदर ये खाली पायलट आते हैं और जो गत्ता आता है वो आते हैं, तो हमारा ट्रक भाई ये लगा हुआ है। तो अभी अनलोडिंग चल रही है भाई, अगर होगी किस्मत बढ़िया तो यहीं पर सारे का सारा अनलोड हो जाएगा, तो नहीं तो भाई दूसरी जगह पर हमें जाना पड़ेगा। तो हमें डोर नंबर मिली थी, डोर नंबर 30, तो अभी बात की चल रही है, तब तक भाई ट्रक में वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। तो ये यंत्र क्या है भैया? ये यंत्र आपको भाई बताते हैं क्या है, जब ट्रेलर ड्रॉप करते हैं ना, तो उसके आगे भाई ये लगाना पड़ता है। क्या होता है, जब फॉर्क लेफ्ट इसके अंदर बढ़ती है ना लोडिंग वाली, तो कई बार ऐसा होता है कि पीछे से ट्रेलर खड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से ना ये वाला नीचे लगाया जाता है ऐसे, ताकि अगर ट्रेलर फॉर्क लेफ्ट अंदर बढ़े ना इसके, तो आगे को ट्रेलर ना बैंड हो जाए। कई बार होता है ना कि ज़्यादा भारी लोड होता है ना, स्कैड से जो भारी होती हैं, तो वो ट्रेलर को ना पीछे से अप कर देती है, तो इसी वजह से भाई ये लगाना पड़ता है। तो भाई अभी हमारी डिलीवरी उतर रही है, तो देखते हैं कितना ट्रेलर अभी खाली। तो ऐसा गत्ते भाई लेकर आए, ऊपर स्कैड है जे वाली ना, तो नीचे जो गत्ता रखा हुआ ना स्कैडों पे, ऐसा लोड हम लेकर आए थे इसके अंदर। तो भाई फाइनली हमारा ट्रेलर उतर चुका है, वो भी एक जगह पे। तो भाई उनकी बात फाइनल हो गई थी कंपनी वालों की, तो उन्होंने बोला कि भाई अपना ट्रेलर एक जगह ही, जहीं भी सारा का सारा जो माल है ना, तो जहाँ पे अनलोड करवा दो, तो भाई एक जगह पे अनलोड हो गया। तो अभी हमने ट्रेलर के अंदर देखो भाई कितना गंद डला है, तो ये अभी क्लीन करना पड़ेगा। तो बेल्टें भाई काफ़ी बेल्टें थी, ये उठानी पड़ेगी अभी, तो करते हैं भाई डोर बंद, तो उसके बाद भाई देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम बनता है। तो भाई ट्रेलर हमारा हो गया है खाली,
तो मुझे लगता था यार दूसरी लोकेशन पे जाना पड़ेगा, पर भाई बाबा जी की कृपा हुई, उन्होंने बोला, ऑफिस वालों ने बात कर ली कि भाई हम तो एक जगह ही उतारेंगे, क्योंकि जब लोड उठाया था तो आपसे बात हुई थी कि हम एक जगह ही सारे का सारा लोड उतारेंगे, तो ऑफिस से मुझे कॉल आई कि बोले भाई आप यहीं पे सारे का सारा जो ट्रेलर है यहीं पे ड्रॉप कर दो। तो भाई मन गार्डन हो गया, तो नहीं तो भाई वैसे ही 2-2.5 घंटे ख़राब हो जाने थे, क्योंकि दूसरी लोकेशन जाने को भी टाइम लगना था। तो अभी हम जाएंगे झाड़ पे, तो झाड़ पे ट्रेलर करेंगे ड्रॉप और देखते हैं फिर आगे क्या स्केड्यूल बना। तो भाई हम अभी फिर रहे हैं यार, कनाडा के खेतों वाली फीलिंग आ रही है पूरी भाई। ये बिल्कुल ना आसपास जो आप देख रहे हैं खुले खुले खेत हैं, तो साथ में देखो इसको बोलते हैं खाला, खाला भी जा रहा है जैसे हमारे पंजाब में होता है या कहीं भी है ना इंडिया में खेती होती है। तो घर देखो भाई कितना शानदार डाला हुआ है, फार्म हाउस बनाया भाई पूरे का पूरा। तो जो इसकी कीमत होगी भाई $1 मिलियन में होगी, $1 मिलियन में। तो भाई ट्रक हमारा लंबा है तो हमें ये वाली लाइन भाई कवर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमारा ट्रेलर राइट टर्न हो पाएगा, नहीं तो भाई सीधा खाले में जाकर गिरेगा, क्योंकि ट्रेलर भाई 53 फीट ट्रेलर हो जाता है। तो आगे देखो भाई ट्रक की भी लंबाई बन जाती है, ओ वाह, जो तो इंडिया की मारुति जैसे मारुति कार थी ना इंडिया की, भाई बिल्कुल वैसी है। ये है सबारू कंपनी की, भाई सबारू कंपनी की ये कार है। तो आसे पासे भाई खेत है, अभी समर आ गई है तो आपको भाई चारों तरफ अभी मक्की कणक ऐसा कुछ भाई आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दिन बहुत अच्छे लगे, गर्म होने लगे अभी दिन थोड़े थोड़े। तो स्पीड भाई जहाँ पे है 30 की, तो अभी चलते हैं देखते हैं आगे क्या भाई होता है ऑर्डर, अगर कोई ट्रेलर पिक या ड्रॉप करने के लिए बोला कंपनी ने तो वो करेंगे, नहीं तो भाई फिर सीधा जाएंगे हम घर पे। भाई एक तो डर ही लग रहा है कि यार आसे पासे ना देखो कितना दरख्त है, तो ये देखो जो बिजली वाली तारे है ना बिल्कुल ये नीमी है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर को ना टच कर जाए कहीं, क्योंकि दरख्त की टहनियाँ देखो इतनी नीमी नीमी है ना, तो फालतू में ऐसे यार ट्रेलर और ट्रक का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ये लोकल रोड है यार। तो अभी आगे से भाई एक आया है तो थोड़ा सा हौसला हुआ भाई ये ट्रक रूट ही है कि नहीं तो ऐसी वैसी ट्रैक्टर रूट का यार पंगा रहता है कि अगर कोई पुलिस वाले ने पकड़ लिया ना कि भाई आप लोकल रोड में कहाँ इतना बड़ा ट्रक घर वाले एरिए में लेकर जा रहे हैं, तो वैसे टिकट का चक्कर रहता है। तो अभी देखते हैं भाई आगे सारा कुछ ठीक हो जाए, हमारा भी कुछ किलोमीटर के बाद ना मेन रोड आ जाएगा। तो भाई हम पहुंच चुके हैं टनल के बीचों बीच, भाई देखो कैसा व्यू यार इतना अच्छा है, ऊपर से देखो ट्रेन निकल रही है, तो नीचे जो भाई ये टनल बनाई है ना इसके ऊपर पहाड़ी नहीं है जिसकी वजह से ये टनल बनी है, इसके ऊपर भाई बहुत बड़ी एक ना रिवर निकलती है, देखो पानी के अंदर से ये जा रही है, तो बंदे को भाई महसूस भी नहीं होता कि मैं पानी के नीचे से जा रहा हूँ, इसके ऊपर बिल्कुल भाई पानी है और नीचे से इन्होंने टनल निकाली हुई है, तो बंदे को भाई एहसास ही नहीं होता कि मैं यार टनल के अंदर तो जा रहा हूँ लेकिन ऊपर इतना पानी है, बंदे को महसूस ही नहीं होता भाई। तो ये वाला भाई ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे बंद, कोई और आज काम नहीं है, तो भाई लाइक और कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब जरूर करना भाई चैनल को।